एक तरफ कोरोना पूरे देश को अपने चपेट में लेता जा रहा है तो दूसरी तरफ आपदा को अवसर के रूप में देखने वाले कई लोग इसमें गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक्य उत्तर प्रदेश के पिलखुआ इलाके से आया है, जहां रामा मेडिकल कॉलेज के 3 स्टाफ रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचते पकड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये तीनों आरोपी अस्पताल के कर्मचारी हैं और कोरोना मरीजों को लगाने के लिए इंजेक्शन आते थे, जिसे बचा कर ब्लैक में बेचते थे। फिलहाल पुलिस इन तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।